रामनगरी में होने वाले चौथे दीपोत्सव को लेकर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। राम जन्मभूमि परिसर की तरफ जाने वाले सभी मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे किसी भी प्रकार से अयोध्या की शांति भंग ना हो सके। 9 नवंबर 2019 राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। आज राम मंदिर फैसले को एक वर्ष पूरा हो गया है, जिसको लेकर अयोध्या के सीमा के साथ साथ राम जन्मभूमि परिसर की तरफ जाने वाले सभी मार्गों की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। राम जन्मभूमि जाने वाले लोगों का सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं कोविड-19 के तहत जारी एडवाइजरी को लेकर अयोध्या में किसी भी प्रकार के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। वहीं DIG SSP दीपक कुमार ने कहा है कि दीपोत्सव कार्यक्रम की प्रशासनिक तैयारी पूरी हो गई है। दीपोत्सव में PAC पैरामिलिट्री फोर्स, ADS कमांडो, खुफिया तंत्र की तैनाती के बीच दीपोत्सव कार्यक्रम होगा। दीपोत्सव के दिन 13 नवंबर को अयोध्या जिले की सीमा सील रहेगी। 2017 से धूमधाम से यहां पर दीपोत्सव का प्रोग्राम हो रहा है। यह कार्यक्रम एक अविस्मरणीय कार्यक्रम होता है, क्योंकि अयोध्या जी हमारी सप्तपुरियों में से एक हैं और यहाँ के इस पूरे प्रोग्राम में, कार्यक्रम में सुरक्षा के पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं। कल हमारे जितने सीनियर ऑफिसर थे, प्रमुख सचिव ACS होम, ADG LO, DG इंटेलिजेंस और हमारे ADG साहब, सबकी यहाँ पर मीटिंग हुई और सब लोगों ने स्थलीय निरीक्षण किया और जितनी भी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उन सब के साथ हम लोगों का समन्वय बना हुआ है और उसके आधार पर मैं आपको पूरी तरह से कह सकता हूँ कि हमारी पूरी तैयारी, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और हम लोग इसके लिए रेडी हैं और 13 तारीख के क्षण की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब दीपोत्सव अयोध्या जी में मनाया जाएगा और जितनी भी पुलिस फोर्स हैं, PAC हैं और अन्य जो हमारी एजेंसियां हैं जो सुरक्षा से संबंधित, उन सब के साथ हमारी मीटिंग हो गई है, उनको ब्रीफ कर दिया गया, हमारे लोग अलर्ट हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि जिस दिन दीपोत्सव का प्रोग्राम रहेगा उस दिन अयोध्या जी के बाहर के लोगों का अयोध्या में आना प्रतिबंधित रहेगा, वर्जित रहेगा। कोविड को देखते हुए जो उसकी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रोटोकॉल है कोविड प्रोटोकॉल का, हम लोग अनुपालन कराएंगे, उसको सुनिश्चित कराएंगे। इसमें चिन्हित लोगों को प्रशासन ने इनवाइट किया है, तो जिनको इनवाइट किया जाएगा वही लोग आ सकते हैं, बाकी किसी की भी एंट्री नहीं रहेगी। अयोध्या के लोगों को गाड़ी से आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जो बाहर के जनपद के लोग हैं उनके आने पर प्रतिबंध रहेगा। अयोध्या जी में हाईवे पर भी उस दिन डायवर्जन रहेगा और अयोध्या शहर में 13 जगहों पर हम लोगों ने डायवर्जन किया है, बाकी हमारी बैरिकेटिंग और सारी चीज़ें हो गई हैं और हमें पूरा विश्वास है कि कोविड महामारी के बावजूद भी इस बार का दीपोत्सव का जो हमारा प्रोग्राम होगा पूरी तरह से अप्रतिम होगा, भव्य होगा और प्रभु श्री राम की परंपराओं के अनुरूप होगा।